हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं ले कर आई हूँ आप सभी के लिए ये डिस्प्रिन टैबलेट है, जो कि सिर के दर्द में काम आती है और बहुत सारे जैसे कोई भी पेन होता है तो उसमें ये काम आती है। तो आज मैं इसका यूज़ बताऊंगी, बट स्किन के लिए कि स्किन में हम इसको कैसे यूज़ करें और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। बहुत ही आसानी से मिल जाता है, कई देशों में इसको बैन कर दिया है, पर इंडिया, फ़िलहाल तो मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया में तो अभी ये मिल रही है। तो गाइस, बताना चाहूँगी आप लोगों के लिए कि इसको यूज़ किस तरीके से करना है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगी, जब भी आप इसको ट्राई करें, देखो मैंने भी पूरा पत्ता मंगाया था, पर मैंने एक गोली इसमें से निकाल के पहले अपनी स्किन में थोड़ा सा ट्राई किया। मैंने इतने एरिया में इसको लगा के देखा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लगाते से साइड इफ़ेक्ट इसके दिख जाए, चेहरा ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा इसको यूज़ करा है। आप लोग भी इसी तरीके से इसका यूज़ करना, पहले थोड़ा सा यहाँ कहीं भी चेहरे पे लगा के देखना, यहाँ लगा के नहीं देखना है, चेहरे पे ही देखना है, क्योंकि रिएक्शन चेहरे पे ही होगा। तो वैसे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट मुझे दिखा नहीं, मैंने इतने एरिया में लगाया जब मैंने इसको मंगाई थी कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी मैं, तो मुझे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट दिखा नहीं, तो मैं इसीलिए आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, बताऊँगी कि इसका किस तरीके से हम यूज़ करें। तो एक खाली बॉल ले लिया, अब मैं इसमें कम से कम, अगर हमें मास्क बनाना है तो हमें इसमें चार गोली चाहिए रहेंगी, चार डाल सकते हैं आप अपने फेस के अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हैं। तो मैं इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं, कभी भी गाइस अगर आप कोई भी फेस मास्क अगर यूट्यूब पे देखकर कहीं भी देखकर आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा उसको चेहरे के किसी भी इधर हिस्से में वाले इधर हिस्से में कहीं भी इसको लगा के देखिए। ऐसा नहीं कि अगर, क्योंकि ये डिस्प्रिन गोली है, कभी चेहरे पे रिएक्शन भी कर जाती है, तो इसलिए थोड़े से एरिया में हमें इसको ट्राई करके देखना है। और बताना चाहूँगी कि अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ब्लीच की प्रॉपर्टी होती है और ये स्किन को एकदम से ब्लीच कर देता है। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप ब्लीच कर सकते हैं। अगर चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने हैं, पिंपल्स हैं, तो ये दानों को क्या करता है, उसी टाइम मुरझा जाते हैं, मतलब जो दाने हमारे अगर निकल रहे हैं हम उसके ऊपर अगर इसको लगाते हैं तो वो मुरझा जाते हैं। तो गाइस, ये इस तरह से मैंने ये चार गोली ले ली हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसमें ये रोज़ वाटर ऐड करूँगी, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल खुल जाएंगी। ये इस तरीके से बिल्कुल झाग होने लगते हैं, बिल्कुल एकदम से, मतलब जैसे ब्लीच होती है ना, उस तरीके से ये हो जाती है। मैं इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर रही हूँ कि इसका रिएक्शन पता नहीं कैसा होगा। तो इस तरीके से ये हो गई है, मैंने अपना चेहरा अच्छे से क्लीन कर लिया है। आप लोग भी जब भी इसको ट्राई करें तो अच्छे से चेहरा क्लीन कर लें। अभी मैं एक बार और फिर भी गुलाब जल से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ कि कोई भी अगर डस्ट हो, कुछ भी हो, तो वो निकल जाए। सबसे पहले हमें अच्छे से चेहरे को क्लीन ही करना है, फिर उसके बाद हमें लगाना है इसको। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है गाइस। इसको लगाने से क्या होता है, जैसे जो हमारे रिंकल्स यहाँ पे आने लगते हैं, झुर्रियाँ आने लगती हैं, तो जो उम्र होती है वो 2-3 साल पीछे चली जाती है। जैसे अगर हम 40 के हैं तो हम 35 के लगने लगे अगर हम इसका रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस, ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छी है और ड्राई स्किन वालों के लिए, मतलब हफ्ते में एक बार यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम इसको हमेशा यूज़ करें। ड्राई स्किन वालों की स्किन थोड़ी ड्राई हो जाएगी, मेरी पर्सनली खुद ड्राई स्किन है तो मैं इसको नहीं यूज़ करूँगी, एक हफ्ते में सिर्फ एक ही बार। फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब भी आप इसको ट्राई करें तो एक बार अच्छे से किसी भी एरिया में अपने लगा लें इसको, तभी इसका यूज़ करें, वरना ऐसा ना हो कि हाँ गौरी कलेक्शन है, उसने मुझे बताया और मैंने तुरंत ट्राई करा, फिर डॉक्टर के पास भागना पड़ा। क्योंकि मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ है कि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखी,
पता नहीं वो क्या आता है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो मैंने यूट्यूब पे देखा था कि उसको लगाइए आपकी सन टैनिंग। उस टाइम में यूट्यूब चैनल नहीं था मेरा, तो उस टाइम मुलेठी, हाँ मुलेठी उस टाइम बताया था, तो उसका पाउडर मैंने मिक्सर में पीसा, और जैसे ही गाइस मैंने उसको लगाया ना चेहरे पे, तो इतना एरिया हाथों पे भी लगाया था, चेहरे पे एकदम से, मतलब कुछ मुझे लगा कि इरिटेट हो रहा है मेरे चेहरे पे, तो मैंने तुरंत चेहरा धो लिया। यहाँ पे मैंने सोचा लगाए रखती, इतना हिस्सा पूरा रेड हो गया था, तो मैं बहुत डर गई थी। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी ट्राई नहीं करा। अब ये गुलाब जल बिल्कुल सूख गया है, तो अब मैं इसको लगाती हूँ। अभी मेरे पास ब्रश नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही लगा रही हूँ। आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। आप अपने चेहरे के अकॉर्डिंग गोली ले सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे 4 गोली ली हैं। आप अपने अंडर आई एरिया को छोड़ दीजिए, डार्क सर्कल एरिया को, वहाँ पे मत लगाइए इसको। गाइस अब मैं इसके ऊपर, ये मैंने आप लोगों का इसका खाया था, ये मैंने नायका से मंगाया, तो अब मैं इसके ऊपर सीट मास्क लगाऊंगी। ये सीट मास्क नायका का है, स्किन सीक्रेट्स, और मेड इन इस पे कोरिया लिखा है, और ये पर्ल हाइकालोनिक एसिड फॉर ब्राइटनिंग स्किन, ये ब्राइटनिंग स्किन के लिए है। इन्होंने इस पे पूरे स्टेप यहाँ पे लिख रखे हैं, पहले क्लीजिंग करना है, फिर अप्लाई करना है, फिर रिलैक्स 15 मिनट तक हमें इसको लगा के रखना है, फिर हमें इसको पील करना है, फिर 5वीं बार मसाज करना है, और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट हमें रखना है। तो अब मैं इसको खोलती हूँ। तो मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। वाओ, पता है गाइस, मैं पहली बार सीट मास्क मतलब लगा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। इसको मतलब 1 हफ्ते तक हम लगा सकते हैं, अगर इसमें सीरम बच गया है तो 1 हफ्ते तक। वो एक गोली आती है, तो जो गुलाब जल या किसी के अंदर भी डालो तो वो एकदम से पूरा मास्क जैसी बन जाती है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो अगर वो बच जाता है, दोबारा इसको हमें यूज़ नहीं करना है, इसको हमें फेंक देना है यूज़ करने के बाद। ओ माय गॉड, ये तो खुल ही नहीं रहा, इधर से खुलेगा भाई, मेरे से फट भी नहीं। तो ये इस तरीके से ये निकलता है। ये इस तरीके से हमें लगा लेना है, थोड़ा सा नीचे लूंगी इसको। बस बड़ा डिफिकल्ट है ये यार, किसके किस पता नहीं किसके चेहरे के साइज के ये बनाते हैं। तो गैस इसको हमें लगाकर 15 से 20 मिनट तक हमें रखना है। इनके अंदर एक सेलुकालिक एसिड होता है, जो कि अगर हमारे कपड़ों में भी धब्बे लग जाते हैं तो हम उसको भी छुटा सकते हैं। चेहरे के धब्बे की तो बात ही बहुत अलग है, इसको तो बिल्कुल ही रिमूव ये कर देगा। मैंने जब इतने एरिया में इसको ट्राई करा तो माय गॉड, इतना अच्छा रिजल्ट आया, मतलब इतना हिस्सा बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से साफ सुथरा सा हो गया था। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। 15 से 20 मिनट मुझे हो गए हैं, ये देख लो बिल्कुल सूख गया है, ये कुछ भी मॉइस्चराइजर इस पर नहीं बचा। तो अब मैं जो इसमें ये बचा है सीरम, मैं इसको अपने हाथ पे ले लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा है, तो अभी पूरा मैं ट्रायल करूँगी। तो इस तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हैं।
तो गाइज इस तरीके से आप इसको लगा के नाइट में बस सो जाइए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी, और आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। पहले आप इसको ट्राई करना, फिर कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा रहा आपके साथ एक्सपीरियंस। चलो गाइस अब वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और आगे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को नई नई चीज़ें मैं लाती रहती हूँ कि कभी डिस्प्रिन है, कभी पिगमेंटेशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं लाती रहती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।